Hello viewers, welcome back to my channel Healthy and Tasty by Anurupa. Today I'm going to share another healthy and easy to make recipe which is high in protein, low carb and keto friendly. So let's get to the video. तो सबसे पहले मैं प्रेशर कुकर पे पानी उबाल लूँगी 2 से 3 मिनट तक के लिए और जैसे पानी उबलने लगे मैं उस पर दे दूँगी 1 टीस्पून नमक. अब उबलते हुए पानी पे हम ऐड कर देंगे चिकन. मैंने यहाँ पे चिकन को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया था. अब हम यहाँ पे ऐड कर देंगे वेजीज. मैंने यहाँ पे गाजर और फ्रेंच बीन ऐड किया है. अब चाहो तो ब्रोकोली भी ऐड कर सकते हो. अब प्रेशर कुकर के लीड को हमको लगा देना है और फ्लेम को कर देना है मीडियम और जब तक कि ना 2 सीटी आ जाए हमको वेट करना है. प्रेशर कुकर के वेपर रिलीज हो जाने के बाद हम लीड खोल देंगे और हमने जो चिकन और सब्जी उबाले थे उसको हम अलग कर देंगे. अब उसी पानी पे हम ऐड कर देंगे कटा हुआ पत्ता गोभी और स्वीट कॉर्न. अब हम इनको ब्लंच कर लेंगे बिना ढक्कन लगाए 2 से 3 मिनट के लिए. 2 से 3 मिनट के बाद हम इनको छान लेंगे और अब हमको एक पैन गरम कर लेना है और दे देना है थोड़ा सा ऑलिव ऑयल. तेल गरम हो जाने के बाद हम ऐड कर देंगे कटा हुआ पत्ता गोभी और स्वीट कॉर्न और दे देंगे स्वाद अनुसार नमक. अब हम लीड को लगा देंगे 2 से 3 मिनट के लिए और फ्लेम को कर देंगे एकदम लो ताकि पत्ता गोभी अंदर से एकदम नरम हो जाए. जो चिकन और सब्जी को हमने उबाले थे उसको हम अब ऐड कर देंगे. दे देंगे 1 टीस्पून सोया सॉस और अच्छे से मिक्स कर लेंगे. अब हम यहाँ पे ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून बटर और 1 टेबलस्पून काली मिर्च. और अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद फ्लेम को कर देंगे ऑफ और दे देंगे 1 टेबलस्पून मेयोनीज. मेयोनीज ऐड करने से पहले फ्लेम को ऑफ करना मत भूलिएगा दोस्तों. हमारा हेल्दी एंड टेस्टी चिकन सलाद इज रेडी टू सर्व. तो देखा ना आपने इसको बनाना कितना सिंपल है. तो जल्दी से कर लीजिए इस रेसिपी को एक बार ट्राई और उसके बाद मेरे को बताना मत भूलिएगा. और रेसिपी अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों. और जाते जाते प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. मुलाकात होगी नए वीडियो में. बाय बाय.